हे गाइस, मैं हूं कुमार और आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि दो चीज़। सबसे पहले तो मैं दिखाने वाला हूं दोस्तों, मेरी गाड़ी में मुझे चेंज करना है इंजन एयर फिल्टर। तो सबसे पहले वो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे चेंज करते हैं, कैसे ओपन करते हैं, और दूसरा टायर प्रेशर है ना। तो टायर प्रेशर तो दोस्तों हर वीकेंड मैं चेक करता हूँ मेरी दोनों गाड़ियों में। सो गाइज, ये व्लॉग को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि आगे आप और क्या वीडियो देखना चाहते हैं यूएसए के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं, चलिए स्टार्ट। सो गाइज, ये है इंजन एयर फिल्टर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये ऐसा स्क्रू ड्राइवर आपको चाहिए और कुछ नहीं। तो ये जो हिंज है इसको आपको खोलना है सबसे पहले। तो ये हम खोलेंगे, ये खुल गया आसानी से, लूज हो गया। सो गाइज, हमने ये लूज कर लिया है। इसके बाद ये जो दोनों तरफ क्लिप्स है वो आपको ओपन करनी है, ये एक यहाँ और दूसरी तरफ ये यहाँ, ये आपको ओपन कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा आप लूज करोगे तो आप देखोगे अंदर, देखिए ओपन हो गया और अंदर ये इंजन एयर फिल्टर है, ये निकाल दिया। तो ये साफ़ कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये बहुत पुराना नहीं है, ये जो सर्विस स्टेशन वालों ने 4-6 महीने पहले ही चेंज किया था, तो ये अच्छी कंडीशन में है, तो इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको मैं दिखाऊं अंदर, तो अंदर देखिए आपको ये रेती धूल मिट्टी ये रहे, ये आपको दिखेगी। तो इसको आपको क्लीन करना है, तो उसके लिए हमारे पास वैक्यूम है, तो वैक्यूम क्लीनर से हम क्लीन करेंगे उसको। सो हमने ये वैक्यूम क्लीनर से सारा इसके अंदर जितना कचरा था, धूल मिट्टी और हमने क्लीन कर दिया है, और अब हम वापस ये डाल देंगे। तो उसके लिए ये ऐसा सीधा होना चाहिए, ये जो बॉर्डर है ऊपर आनी चाहिए, और इसको सिर्फ हमें यहाँ रख देना है। तो ये रख दिया, और उसके बाद इसको हम ये करेंगे, इंचिस दोनों तरफ लगा दिए, ये हो गया टाइट। उसके बाद हम ये जो स्क्रू है इसको भी वापस टाइट कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पे यूएसए में जो लेबर वर्क है गाड़ी का वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर आप खुद अमेज़ॉन से ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बाय करके खुद अगर आप चेंज करते हो तो आपके बहुत सारे डॉलर्स बच जाएंगे, है ना। ये है इंजन एयर फिल्टर जो हमने चेंज किया, और इस ये अमेज़ॉन पर अगर आप लेने जाओगे तो 10 या 12 डॉलर में ही आपको मिलेगा, और अगर आप ये सर्विस स्टेशन में इसको चेंज करवाओगे तो आपके पास वो 50 से 60 डॉलर ले लेते हैं। एक घंटे में 100 या 150 डॉलर वो लेबर वर्क चार्ज करते हैं दोस्तों। तो इसलिए अभी हमारी ये गाड़ी हो गई है, तो अभी हम ये बंद करेंगे। जैसे हर वीकेंड को मैं एयर प्रेशर भी चेक करता हूँ, तो उसके लिए मेरे पास ये पोर्टेबल एयर प्रेशर पंप है, जो गाड़ी में अगर आप अटैच कर दे तो ये केबल तो अपने आप ये चलता है। सबसे पहले हम चेक करके फ्रंट टायर होंडा सिविक का, इसमें 31.5, इट मींस इसमें टायर प्रेशर कम है दोस्तों, तो हमें
इसमें हवा डालनी पड़ेगी। तो चलिए मैं शुरू करते हैं। उसके लिए हम ये डाल देंगे और ये जो हमारा मशीन है यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर्स आपको दिखाते हैं कि अभी 31 है ना, तो हमें 30 और 40 के बीच में या 30-40 के बीच में लेना है। तो जब ही हम शुरू करेंगे चलो अभी हम निकाल देते हैं और चेक करेंगे क्योंकि इससे एक्यूरेट आता है। थर्टी थ्री पॉइंट फाइव। इसी तरह पीछे के जो टायर है उसका भी हम एयर प्रेशर चेक कर लेंगे। अभी 32 है तो अगर आपको चेक करना है, अगर आपको पता नहीं है कि आपकी गाड़ी में फ्रंट व्हील और रियर व्हील जो है उसमें कितना एयर प्रेशर होना चाहिए, तो आपको आपका जो ड्राइवर साइड का जो डोर है उसके यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। ओके, आगे ये जो टायर है फ्रंट वन वहाँ 33 PSI होना चाहिए प्रेशर और रियर टायर में 32 PSI होना चाहिए। इसमें भी 34 है तो जितना होना चाहिए उससे एक पॉइंट ज़्यादा ही है दोस्तों, तो ये परफेक्ट है ना। तो USA में या फिर इंडिया में भी दोस्तों जितना अगर हो सके खुद करोगे काम अपनी गाड़ियों में तो वो हमें बहुत ही सस्ता पड़ेगा और आपको बाहर पैसे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो दैट्स इट। सो गाइज, ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक कुमार को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, हमेशा खुश रहे, पॉजिटिव सोच रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।